press the bell icon on the YouTube app and never. बिल्कुल जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का दमदार इंटरव्यू, और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, तो इसे भी अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। हाल ही में एक महिला को भी न्यूट करके घुमाया गया था, मुस्लिम महिला थी और वो बीजेपी को उसने वोट किया था, प्रो बीजेपी थी, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ किया गया था। देखिए वो महिला बार बार ये बात भारतीय जनता पार्टी के पार्टी ऑफिस में भी बोल रही थी, कई बार उसने पुलिस को भी बोला है। जैसे मैंने अभी एक हफ्ते पहले द ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है और मुझे कंटिन्यू कोर्ट एरिया से, फरहाद हकीम के एरिया से और रजाक मुल्ला के एरिया से और उल्बेरिया से मुझे कंटिन्यू थ्रेट आ रहा है कि मुझे जहां पर भी देखेंगे मेरा गैंगरेप करेंगे और मेरा मर्डर करवा देंगे। मैंने उस सारे प्रूफ के साथ मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पुलिस इन एक्शन केस फाइल किया है। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि आप कंप्लेन करते रहिए साइबर क्राइम को, आप कंप्लेन करते रहिए पुलिस को, पुलिस एकदम गूंगी और बहरी बन जाएगी, उस वो बिल्कुल नहीं सुनेगी। मतलब वो इंतजार करती है कलकत्ता पुलिस का, साइबर क्राइम और कलकत्ता पुलिस और वेस्ट बंगाल के जो बड़े सुपीरियर ऑफिसर है वो इंतजार करते हैं कि इंटीमेशन आ रहा है जब दुर्घटना हो जाएगी, एक बार टीएमसी के मुसलमान लफंदरों का कलेजा शांत हो जाएगा तब हम देखेंगे, कुछ ना कुछ तो टिप्पणियां हम मीडिया को दे ही देंगे। सो एज पर माई थिंकिंग के जितने भी लोग जो मणिपुर पे छाती पीट रहे थे, जितने भी लोग जो बिल्किस बानो पे छाती पीटते हैं, आज वो सबके सब खामोश है। खैर ममता बनर्जी साहिबा खामोश है, वो तो हमें पता है कि ममता के अंदर ममता है नहीं, और वो महिला होते हुए भी कभी भी वो महिला का सम्मान करती नहीं है। वो नारा जरूर लगाती है कि ये माँ माटे मानुष की सरकार है, पर माँ की इज्जत क्या है वो हम देख ही रहे हैं, मानुष की इज्जत क्या है वो हमें पता चल ही रहा है। माटी सिर्फ तोलाबाजी के लिए इस्तेमाल होती है पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, ये भी हम सबको पता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ अंजू जी कि आखिर राहुल गांधी जी क्यों खामोश है, प्रियंका वाड्रा क्यों खामोश है? आज क्या वो अपने प्राइवेट जेट से क्या वो संदेश खाली नहीं आ सकती थी प्रियंका वाड्रा? क्या वो अभी कूचबिहार नहीं आ सकती थी? इनका कूचबिहार की इस मुसलमान औरत का भी तो न्यूट परेड हुआ, गैंग रेप हुआ है, तो क्या नहीं आ सकती थी? या अभी उत्तर दिनाजपुर में जिस बेरहमी से पीटा गया है छज्जे से, तो क्या इस औरत का सहारा नहीं बन सकती है प्रियंका वाड्रा? अच्छा मुझे दूसरी चीज भी समझ में नहीं आती है कि डिंपल यादव जो कभी राज्यसभा एमपी बनती हैं, कभी अपने 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 राज्य में वो बहुत बड़ी नेता बनती हैं, अब तो वो चुन करके आई हैं, अब तो वो लोकसभा में अपने हस्बैंड के साथ बैठ रही हैं, तो वो प्रॉपर एक नेत्री हैं भाई। लेकिन जब भी डिंपल यादव से पूछा जाता है तो उनके प्रवक्ता बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो औरत है और वो एक नेत्री है, उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में एक अहम भूमिका उनका रहा है हमेशा समाजवादी पार्टी में, तो आकर वो क्यों नहीं अपने कदम को बढ़ाती हैं? वो मणिपुर क्यों नहीं जाती हैं? वो संदेश खाली क्यों नहीं आती हैं? वो सिर्फ स्टाइल मारती भी, नाजुक नाजुक अदा दिखाती भी, सिर्फ पार्लियामेंट के आगे पीछे और हस्बैंड के आगे पीछे दिखाई देती हैं, ऐसा कैसे चलेगा? बिल्कुल, आप देखिए ना किस तरीके से मणिपुर के नाम पर राजनीति करने वाले इंडी गठबंधन के सारे दलों के नेता खामोश है। राहुल गांधी को अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन चुके हैं, उनको भी ख्याल नहीं आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पर अगर ये वीडियो अपलोड है तो उन्होंने भी तो देखा होगा, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा है, क्योंकि ये ममता के राज में हो रहा है। आप सोचिए कितना डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों का। देखिए अंजू जी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो ड्यूरिंग इलेक्शन के कॉन्क्लेव में भी जब संदेश खाली की बात उठी थी तो उन्होंने उस बात का उल्टा जवाब दिया था और किसी और ही दिशा में वो चले गए थे। वोट देने वाले इंडिया अलायंस को 90% मुसलमान है, ये हम सबको पता है। मुसलमानों ने भरपेट फायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा करके इंडिया अलायंस को खटाखट 1,00,000 रुपए के लिए लालच में आकर के वोट भी दे डाला। भारतीय जनता पार्टी ने उनको घर दिया, नौकरी दी, आवास दिया, टॉयलेट दिया, गैस दिया, सब्सिडी दी, सब कुछ दिया, स्कॉलरशिप दिया, सब कुछ दिया,
लेकिन उससे उनका मन नहीं भरा। जैसे ही खटाखट 1 लाख रुपए की बात आई, वैसे ही मुसलमानों ने एकदम फटाफट राहुल गांधी को चुन लिया और कहा कि इंडिया अलायंस को हम वोट करेंगे। आज वही लोग रोड पर खड़े हैं, लेकिन अब भी मुसलमानों की आंख नहीं खुलेगी कि इन्होंने आज से नहीं 1947 से लेकर के 2024 तक ये कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। अब जब ड्यूरिंग इलेक्शन संदेश खाली पर मुंह नहीं खुला कांग्रेस के प्रेसिडेंट का, और ये इंतजार कर रहे थे कि हमारी थोड़ी सी ज्यादा सीटें आएंगी तो हम सैम पित्रोदा को वापस लेकर के आएंगे, और वो भी उन्होंने कर लिया है। अब आती है बात कि ये एक्सपेक्टेशन इस भूमि की संवैधानिक महिलाओं को रखना ही नहीं चाहिए कि कभी भी कांग्रेस या इंडिया अलायंस महिला के पक्ष में उतरेगा, क्योंकि कूच बिहार की महिला से उनको पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा। मणिपुर के इंसिडेंट से उनको उस वक्त पॉलिटिकल फायदा होना था इसलिए, और पश्चिम बंगाल में हो रहे जितने भी इंसिडेंट महिलाओं के ऊपर हो रहे हैं, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, ये जो न्यूड परेड हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी जी का अस्तित्व और उनकी औकात ममता बनर्जी के चप्पल के नीचे है। और वो कैसे है वो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। हमारे भारत में 28 स्टेट है, हम सबको पता है भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब हुआ था तो 27 स्टेट में हुआ था, पर 28वें स्टेट पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा ने अपने ही कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी जी का पोस्टर, बैनर, सारी चीजें फेंकवाया था और नाले में फेंकवाया था। मेरे पास कुछ पिक्चर्स अभी भी हैं उसके, कि वो नाले और गटर में फेंका हुआ है, और जो लड़कों ने, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो फाड़ा था तो गुटका मुंह में खा करके राहुल गांधी के मुंह पर फेंक फेंक करके फाड़ा था, और उसका वीडियो बजाबते बनाया था और फोटोग्राफी को वायरल करवाया था टीएमसी वालों ने। यहाँ तक के मालदा के जिस सरकारी सर्किट हाउस में राहुल गांधी के स्टे करने के लिए जो बुक हुआ था, ममता बनर्जी ने स्पेशली वहां पर मना करवाया था कि राहुल गांधी को घुसने नहीं देना है, किसी भी तरीके से एंटर नहीं होना चाहिए। और आप सोचिए कि वो आधे रास्ते से बंगाल से वापस चले गए थे, तो यहाँ पर पॉलिटिकल फायदा राहुल गांधी को दिख नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ की महिलाओं की इज्जत का कोई परवाह राहुल गांधी जी को नहीं हो सकता है। मणिपुर में उनको पॉलिटिकल फायदा दिखा था, इसलिए वो वहां कूद कूद कर गए थे, और वहां की सरकार ने उनको आने भी दिया था, उनका वेलकम भी किया था, और उनको वहां के लोगों से बातचीत भी करने के लिए दिया था। पर क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी जी को या प्रियंका वाड्रा को या सोनिया एंटोनियो को या डिंपल यादव को वो आकर के यहाँ पर पीड़िता से बातचीत करने देंगी? कभी नहीं करने देंगी। अब भी वक्त है अंशु जी, बस मैं फिनिश कर रही हूँ, अब भी वक्त है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी आंख, कान और आवाज को खोल ले, अदरवाइज ये ममता बनर्जी साहिबा इस देश के 28 स्टेट को ये बता रही है कि अपने राजपाट के लिए और अपनी सरकार बनाए रखने के लिए संविधान को जैसे चाहो वैसे मचोड़ सकते हो, ये वो संदेश भेज रही है बाकी के 27 राज्यों को। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि देखिए ना, अभी जितने भी ये इंडी गठबंधन वाले थे, हाथ में संविधान लेकर इन्होंने शपथ ली, लाल रंग का संविधान पकड़ा हुआ था सबने अपने हाथ में, तो आप सोचिए कि अगर संविधान को ये पालन करते, संविधान को मानते, तो इनको इस मुद्दे पर बोलना चाहिए था। और अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में ये घटना हो गई होती तो यकीन मानिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब तक दौड़े दौड़े भागे भागे वहां पहुंच गए होते। नहीं, मैं इसमें भी आपको करेक्शन करना चाहूंगी, प्रियंका वाड्रा कहीं नहीं पहुंचती है, कहीं पर भी रेप होता है या कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है घटना, तो गांधी परिवार की सिर्फ एक इंदिरा गांधी जी ही थी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री रह चुकी थी, तो वो हर एक दुर्घटना पर पहुंचने की, मतलब ऐसे सिचुएशन पर पहुंचने की जहां पर प्राइम मिनिस्टर की जरूरत होती थी वो पहुंचती थी। अदरवाइज मैंने कभी सोनिया एंटोनियो जी को भी नहीं देखा कि वो कश्मीरी पंडित की बेटियों का जो जेनोसाइड हुआ तो वो जाएंगी, या प्रियंका वाड्रा कभी गई, मैंने कभी नहीं देखा। तो गांधी परिवार की बहु बेटियां जो हैं वो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वो नेत्री बनती हैं, बहुत बड़ी लीडर बनती हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन पर वो कभी नहीं जाती। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजी लाई खान जी का ये दमदार डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जिसमें आपने देखा कैसे भारत की बेटी नाजी लाई खान ने पश्चिम बंगाल के जो हालात है उनको एक्सपोज किया, और कैसे
ममता बनर्जी की सरकार में कितने जुर्म और कितने कांड हो रहे हैं, पर पूरा अपोजिशन जो है वो इस मामले में एकदम चुप्पी साधे हुए, क्योंकि ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो सब वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं, जो कि पूरी तरह से मुगलिस्तान बन चुका है। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।